झुंझारी की ये पावन धरा माते है। आज की चुनावी सभा में मंच पर बिराजुरा समस्त जनप्रतिनिधिगण सामा विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों सब पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूं दिल की गहराइयों कि आप लोग जो मांगो मान सम्मान करिए हो एक बार सदैव मैं आप लोगों का आभारी रहा और सब बड़ो ऋण आपको हमारा परिवार माते है। 1977 ले और 2023 यानी 46 साल तक लगातार आप हमारा परिवार के माते हमेशा मत हो आशीर्वाद हो पूरा पूरा आप आशीर्वाद रख। पहले हमारा पिताजी ने मुंडवा हुआ विधायक बनाया और बी के बाद क्यों सर नई विधानसभा बनी तो क्यों सर के महीने हनुमान जी ने आप MLA बनाया हमारा सांसद बनाया और पिछला उपचुनाव के महीने आप दोनों हाथों मने भी आशीर्वाद दे और राजस्थान की सब बड़ी पंचायत विधानसभा को भेजो बहुत बहुत आप सब लोगों को शुक्रगुजार हूं। मैं आज इतनी अपील करना आपके बीच आया हूं कि 2023 का जगह विधानसभा का चुनाव है 25 नवंबर का बाग महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ हनुमान जी बेनीवाल प्रत्याशी है देश की आजादी का 75 वर्ष बाद पहली बार एक यूसर को जनप्रतिनिधि हनुमान बेनीवाल जगह दिल के महीना बात आई कि मैं राजस्थान की सत्ता के महीने छत्तीसी कौम का किसानी को काम करना और लोगों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करूं और सत्ता संकल्प यात्रा का माध्यम हूं कि पूरा राजस्थान की विधानसभा में भ्रमण करियो और अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया का माध्यम हूं अब गए पूरा राजस्थान के महीने बहुत बड़ो आशीर्वाद हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर जी आजाद ने बहुत बड़ो आशीर्वाद राजस्थान में मिल गया। अपने 150 सीटा माते और गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और 50 से ज्यादा सीटा आप जीतने की स्थिति में तो मैं इतना ही निवेदन आपसे वो करूं कि हमेशा आप वोट देवा MLA और MP बढ़ाने वास्ते पर अब के जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण वोट है। आज पूरे राजस्थान क्यों सर विधानसभा की तरफ टकटकी लगाए और आशा भरी दृष्टि देखे कि क्यों सर को जनप्रतिनिधि पूरा राजस्थान एक नई दिशा और दशा दिखाने को प्रयास करियो। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग हमारे माते भी पूरा आशीर्वाद रखियो। पिछला 4 साल के महीने विकास का जितना भी काम आप लोग मैंने बुलाया बाका मैंने पूरा करने को पूरा पूरा प्रयास करियो। मैं तो इतना निवेदन आप सब करूं कि जो लोकतंत्र में जो देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मत को अधिकार की बात लोगों के सामने चर्चा चली कि भाई मत को अधिकार कौन मिलना चीज है तो कई लोग क्यों पैसा अधिकार मिले कई लोग क्यों ज्यादा पढ़े लिखे अधिकार मिले तो बाबा साहब क्यों कि देश अंग्रेजों की गुलामी बहुत बड़ा लंबा टाइम के बाद आजाद हुए है। तो मैं चाहूं कि प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति ने जो व्यस्त किया सबने मत को अधिकार मिलना चाहिए अपन मत को अधिकार मिले पर अधिकार के साथ साथ कर्तव्य अपना का जोड़ा है वह है कि आप विश्लेषण कर वोट देना सीखा वो वोट कोई सरपंच प्रधान को वोट को नहीं वो वोट विधानसभा को वोट है जब प्रदेश की नीतियां बने और प्रदेश की नीति बने जब आपा को जनप्रतिनिधि जागरूक हुई आपा को जनप्रतिनिधि यदि योग्य हुई ईमानदार हुई कर्तव्य निष्ठ हुई तो निश्चित रूप में वो फायदो आप सब लोगों ने मिलेगा और मैं आशीर्वाद करूंगा आपके बीच हाजिर हुई हनुमान बेनीवाल जी की 30 साल को लंबो राजनीतिक संघर्ष 1993 में जब छात्र राजनीतियों में सक्रिय हुआ और 2003 विधानसभा के महीने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थोड़ा वोटों में हारेगा के बाद किसानों के बाद लंबा टाइम तक आंदोलन और सड़क ले सदन तय जगो संघर्ष हनुमान बेनीवाल जी करियो इस संघर्ष ने आप वोट देव पहले याद रखी जो और मारो विशेष आप लोगों निवेदन है लोकतंत्र का महीना है जो मत को दान है क्योंकि बहुत बड़ी महिमा है जी हाँ धार्मिक शास्त्र में कन्यादान को महत्व है कि कन्या को आप रिश्तों करन जावा बुजुर्ग कहता बात कि बहुत और बेटी यदि समझ दे आप तो निश्चित रूप में बहुत आप आगे बढ़ा जी हाँ लोग धर्म शास्त्र में कन्यादान को महत्व है कि कन्या को रिश्तों देकर जावा तो सोच नहीं देखा बच्चों का ही करे बच्चा का घराड़ा का ही करे जमीन जायदाद कितनी है आगे बच्ची को भविष्य का ही रही अगली बातों में आप संतुष्ट हुआ जब भी बच्ची को आप रिश्तों भी घर तय करा लोकतंत्र के मैंने वोट को बहुत महत्व है ये मतदान को बहुत बड़ा महत्व है कि आपने सुपात्र में मत को दान देना है
और देखिए 13 सेकंड की जगह पी की आवाज ईवीएम मशीन में आवे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी 13 सेकंड के बदले 5 साल तक था की सेवा करी, ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ आगे बढ़ना है। मैं हनुमान बेनीवाल जी ने यदि आप तराजू में रखो एक तरफ और एक तरफ हगड़ा प्रत्याशी ने यदि तराजू में रखो तो भी फलड़ा हनुमान बेनीवाल जी को भारी है। मांगो संघर्ष, मांगी योग्यता और ईमानदारी, काजल की कोठरी में रह करो और गाँव दाड़ नहीं लागो राजनीति के मैंने आज तक हमारा परिवार में कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगे। मैं तो आज कोई न कोई प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हमारा परिवार में है कि आज जब भी आपकी आंखें वंखिया मिलाए मैं देखा, आप कदे मारा समझे को नहीं मैं नेता और मैं कदे यह नहीं समझा कि आप मांगी जनता हो, मैं तो ये समझो कि आप मांगा परिवार का लोग हो और आप यो समझो कि परिवार का मांगा बेटा और भाई है। मैं धन्यवाद देऊं दुनियाड़ी की मातृशक्ति ने भी कि चार चार घंटा पांच पांच घंटा लेट का कार्यक्रम में भी आप हमेशा यह इंतजार करो जाने आपका बेटा और आपका भाया को इंतजार करे। मैं धन्यवाद देऊं मातृशक्ति ने और हाथ जोड़ निवेदन भी करूं कि अपन आने समय में कौन व्यक्ति एड़ो है जो को आपने सही बात बतावे, कौन एड़ो व्यक्ति है जो अंगुली पकड़ और आपने सही रास्ता माने चालन सिखावे, एड़ो विश्लेषण कर और एड़ो व्यक्ति आपने मेरे चुनना है। आपका बेटा बेटे आगे पढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ा, विकास का क्षेत्र में आप आगे बढ़ा, नशा मुक्त समाज आप बढ़ावा। आप लोग देखे होला अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी आपके यहाँ वोट मांगने आए क्योंकि लोकतंत्र की सब बड़ी सुखद एहसास हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उम्मीदवार है इन वोट मांगने को अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति जगह का वोटर लिस्ट में नाम है इन वोट देने को अधिकार है। पर आप अधिकार के साथ साथ आप कर्तव्य समझ और सही दिशा में कौन आदमी चल रहे भी आदमी ने यदि आप वोट देवा तो भी वोट की बहुत बड़ी वैल्यू अपन मिले। मैं वो निवेदन आपसे करना आयो, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ो। अभी मैं युवा साथी खड़े सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हो कि बंकर हनुमान जी की बुराई और रिश्तेदारी के अलावा कोई विजन नहीं मांगो कि मारे वोट क्यों दे। मैं कभी रिश्तेदारी का नाम वोट नहीं मांगा, हर गांव में मांगी भी रिश्तेदारी है पर मैं कभी कौन क्यों थे हमारे युवा से वोट दे, मैं था रिश्तेदार। मैं विकास का नाम वाद वोट मांगा, मैं आगे विजन का नाम वाद वोट मांगा और बोर्ड में इवास तो मांगा कि यदि थे हमारे वोट दो तो मैं 5 साल की गारंटी है कि आप लोग यदि कोई दुख और तकलीफ पड़ी हर सुख दुख का अवसर के बाद मैं आपके बीच हाजिर रहने को पूरा प्रयास करा। इस चीज को मैं वोट मांगा। अभी मैं परसों सोशल मीडिया खोली और एक भारतीय जनता पार्टी का पहली गजे का प्रत्याशी मैं भाषण दे हुआ और भाई विधानसभा को वोट है उगमेड़ो खेल को नहीं मेड़ा को मेरे तो जचे जी टोरा मारा था देश की प्रदेश की नीचे बने बट वो आदमी भूगी कैसा मैं तो क्या सुनी हो भाषण हगड़ा आजकल सोशल मीडिया में तेल टाबर एक्टिव रहो क्या मारो नाव ले लोग ताव छिड़की मैं कि डेंगू है भाई कोई हो सके कोई नाव कोई ताव छिड़ी और मैं डांग एडी घुमाऊ तो जैसलमेर ले बाड़मेर तक हगड़ा मुआर दिया और मांगो राज आए तो मैं अंत काट दू अंत कारण वास्ते राज आवे राज आवे विकास वास्ते राज आवे शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ाने वास्ते सड़क को नेटवर्क लाने वास्ते पानी बिजली की समस्या को समाधान कराने वास्ते और अपने सही दिशा में आपको जनप्रतिनिधि आंगली पकड़ आगे सही दिशा में ले जाए। जनप्रतिनिधि गाड़ी के मैंने हेडलाइट को काम करे गाड़ी चाहिए 1 लाख की और चाहिए 5 करोड़ की यदि हेडलाइट भी मैंने अच्छी नहीं है तो मैं अंधेरी रात में आप घरों बारे सफर नहीं कर सकूंगी मैं और हेडलाइट यदि अच्छी है तो आप आराम कटाई भी मैं अंधेरी रात में भी जा सको तो एड़ो जनप्रतिनिधि आपने चुनना है क्योंकि सही दिशा में मैंने आप लोगों ने आगे पकड़ और सही दिशा में आपने आगे लीजिए और मैं निवेदन करने आपसे बिताया हूँ कोई की बात मत उड़ी और आज मैंने बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कई जगह देखा हर समाज के मैंने छोटा छोटा ठेकेदार वोटा का बन गया पर आप लोगों की जागृति ने मैं सलाम करूंगा कि दुनियाड़ी गांव के मैंने आप लोग जो मैंने नया चेहरा नयो जो आज मारो स्वागत को मैंने दिखा निश्चित रूप में कोई न कोई बड़ी क्रांति आप दुनियाड़ी गांव में मिलाओ। आप लोगों का मूड चारों मेर में देखियो आप लोगों का मूड बहुत हाथ रहा है और अब के नए इतिहास आप क्यों सर की धरती मा दू लिखा ईवीएम की मशीन आज 3 तारीख का खुले 12 बजे पहले खबर आ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल राजस्थान में निकोल वोटों जीत लिया जब अपना मान सम्मान हमारा वो राजस्थान और देश के मैंने आगे बढ़ेगा। एक किसान को बेटो जगो लारला 30 साल आप लोगों का संघर्ष वास्ते लड़ रहे हैं जगो पूरी आपकी जवानी जगी है बस सिर्फ आप लोगों का हक और अधिकार वास्ते लड़तो लड़तो खत्म कर दी तीन व्यक्ति को अपन सब मिले सोचना है कोई का बेकाम को नहीं हो यदि कोई रिश्तेदारी की बात करे बाबू मान सम्मान करो घरे बैठाओ चाय गोभी पाओ
और भूखा है तो मन चूर मुख खुआई जो कहीं मन मन मत खुआई जो बोले पर आखिर जो बोर्ड हनुमान बेनीवाल जी ने दवा ये बात तो दवा क्या सड़क ले सदन से कोई 36 कौन का लोग काम पड़े तो सब पहले आदमी हनुमान बेनीवाल याद आवे। मैं छोटी सी घटना आपने बताऊ, मैं भी सहयोग दिल्ली गयु एक सुतार समाज को टाबर हनुमान बेनीवाल जी ने फोन करे कि हनुमान जी मैं कदे थाने वोट कौन दिया और नहीं मैं थाउ करे मिलू लो पर आज मारा परिवार माते बहुत बड़ो संकट खड़ो हो मारा पिताजी ई ट्रेन नंबर में ई बोगी माते इस सीट के माते ना मारा पिताजी संपर्क करिया था हार्ट अटैक आएगो तो कितनी बड़ी उम्मीद जगी है हनुमान बेनीवाल देश के लोगों ने और आप यकीन करोला हनुमान जी तुरंत रेल मंत्री ने ट्वीट करियो बट अगर संबंधित डीआरएम ने ट्वीट करियो और थोड़ी देर बाद फोन आयो कि हनुमान जी जगह थे जगह की डिटेल भेजी दुनिया माने कि वो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली लोग आप आज आप देख रहे हो चारों में हालात नहीं है प्रदेश की अपन प्रदेश की हालात में कौन व्यक्ति सही कर सके कौन अच्छा सपना देख पड़ो और आप लोगों का विकास का मैंने नया आयाम स्थापित कर सके ऐसा व्यक्ति ने आप सब लोग चुने जो मैं तो आप सब लोगों को इतना हाथ जोड़ निवेदन करूं कि 25 तारीख का ज्यादा से ज्यादा वोट आप बोतल का चुनाव चिन्ह दे आपका बेटा आपका भाई हनुमान देने वाले पूरा पूरा आशीर्वाद आप लोग दीजिए। मैं मात्र शक्ति भी बड़ी संख्या में उपस्थित है मैं हमेशा एक बात जाऊं कि दो चीजें अपन ध्यान रखना किसान परिवार का लोग एक तो नशा मुक्त समाज अपन बनाना है। मैं देखू कई बार कई इलाका में जावा छोटा छोटा टापर नशा सीखा और नशा भी एड़ा सीखा एम डी आर इसमें अगर कहीं कहीं नशा जगान में जाना ही को एड़ा यदि नशा आप लोग सीखा तो आप जिंदगी खराब हो जाएगी आप आओ नस्ल खराब हो जाएगी। एक तो नशा मुक्त समाज बनाना है और बेटा के साथ साथ बेटे ने फिराए और सही दिशा के मैंने आपने अच्छी लाइन चुन पड़ी और आगे बढ़ना है। मैं छत्तीस कौन का लोगों को दुनिया में दिल की गहरे धन्यवाद करूं क्या सर्व समाज के लोग जगह हिसाब मांगवा मान सम्मान और आशीर्वाद देव आप टिकट हो जाओ निश्चित रूप में बहुत बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन आप 23-25 तारीख का करा एक बार पाचो मैं दिल की गहराई आप सबको धन्यवाद ज्ञापित कर और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और मैं हमारी वाणी ने विराम दूं। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।